और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, बिलासपुर में कुत्तों का आतंक देखने को मिला। स्कूल से लौट रहे सीएसपी के बेटे पर कुत्ते ने हमला कर दिया। ऑटो से उतरकर ड्राइवर ने बच्चे को बचाया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। सीसीटीवी में बच्चे के पीछे तीन कुत्ते झपट्टा मारते हुए दिख रहे हैं। घटना के बाद से डरा हुआ है बच्चा और साथ ही पान एनक्लेव कॉलोनी की यह पूरी घटना है, जहां पर कुत्तों का आतंक लगातार बरकरार है। सीसीटीवी में बच्चे के पीछे तीन कुत्ते झपट्टा मारते हुए दिख रहे हैं। कई बार सुबह मॉर्निंग वॉक पर ये कई लोगों को अपना निशाना बना लेते हैं, खासकर बच्चों को अक्सर देखा गया है कि निशाना बना लेते हैं ये कुत्ते। आवारा कुत्तों का आतंक लगातार जारी है। स्कूल से लौट रहे सीएसपी के बेटे पर कुत्ते ने हमला कर दिया। गनीमत रही कि वहां पर ड्राइवर मौजूद था, जिसने बच्चे को समय रहते बचा लिया। और यहां पर घटना का पूरा सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने आया है। तो सीसीटीवी में बच्चे के पीछे तीन कुत्ते झपट्टा मारते हुए साफ तौर पर देखे गए हैं। बिलासपुर में कुत्तों का आतंक लगातार जारी है। कई नियम बनाए जाते हैं आवारा कुत्तों के लिए, उनकी धरपकड़ के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी आवारा कुत्तों का आतंक कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। देखिए किस तरह से स्कूली बच्चा जो है वो कंधों पे बैग लिए यहाँ भागता हुआ अपनी जान बचाता हुआ नजर आ रहा है। तीन कुत्ते आपको नजर आएंगे। तो यहां पर मौका पर ड्राइवर मौजूद था, ये गनीमत रही, और जिसने बच्चे को बचा लिया, वरना बच्चा गंभीर रूप से घायल हो सकता था यहाँ पर। और यहाँ पर यह तस्वीरें देखिए, तीन कुत्ते किस तरह से बच्चे के पीछे भागते हुए नजर आएंगे आपको इस सीसीटीवी फुटेज में। तो स्कूल से लौट रहे थे सीएसपी के बेटे और ऑटो से उतरकर जैसे ही ड्राइवर ने बच्चे को बचाया, वहां से कुत्ते तीनों वहां से भाग गए। पाम एनक्लेव कॉलोनी की यह पूरी घटना है। स्कूल से लौट रहे सीएसपी के बेटे पर कुत्ते ने यह हमला किया। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता वीरेंद्र गैवई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, ना जाने कितनी बार नगर निगम द्वारा कई तैयारियां की गई कुत्तों के आतंक की रोकथाम के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी आतंक कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब ये जो सीसीटीवी फुटेज आया है कई सवाल खड़े कर रहा है, एक बार फिर से। बिल्कुल, जो नगर निगम दावे करता है कि शहर में कुत्तों की संख्या को कम करने के लिए नसबंदी की जा रही है, इसके अलावा जो आवारा कुत्ते हैं उनको ले जा करके कहीं ऐसी जगह पे छोड़ा जा रहा है, लेकिन ये दावे फेल नजर आते हैं। कॉलोनी में, गलियों में, सड़कों पर आवारा कुत्ते दिखाई देते हैं और ऐसे में कई मामले डॉग बाइट के लगातार सामने आते हैं। कई बार तो ऐसी स्थिति भी निर्मित होती है कि जो इंजेक्शन है हॉस्पिटल में वो भी खत्म हो गया रहता है। ऐसी स्थिति में लोगों को प्राइवेट जगह से इंजेक्शन लगाना पड़ता है। ये लगातार ऐसे मामले सामने आते हैं, निगम की लापरवाही उसे दिखाई देती है। एक मामला जो सामने आया है वो शनिवार का है और स्कूली बच्चा जब वापस लौट रहा था, सीएसपी सरकंडा का जो बालक है वो वापस लौट रहा था, इस दौरान बच्चे को तीन कुत्ते झपट्टा मारते हैं। इस दौरान चालक है वो वहां पर था, उसने कुत्ते को सामने आ रही हो, खास करके बच्चे और बुजुर्गों को कुत्ते अपना निशाना बनाते हैं, ऐसे में उनको बचना होता है। और कई ऐसे मामले सामने आने के बावजूद नगर निगम प्रशासन अब तक इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। जी, एक दूसरा बड़ा सवाल ये भी है वीरेंद्र, चूंकि पॉश कॉलोनी है, पाम एनक्लेव है, उसके बावजूद भी आवारा कुत्तों पर वहां पर कोई रोकथाम नहीं, कोई बंदोबस्त नहीं। देखिए, कई बार ऐसे भी मामले सामने आए हैं कि कुछ कॉलोनियों में डॉग को हटाने के लिए गार्ड ने जब पिटाई कर दी तो उनके खिलाफ अपराध दर्ज कर दिया गया। तो ऐसे वजह से जो गार्ड हैं वो उन पर किसी तरह से वार नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ पर सीसीटीवी रहता है और ऐसे में उनके खिलाफ अपराध दर्ज हो सकता है। तो इस तरह की भी वार जो घटनाएं हैं वो सामने आती हैं, जिसकी वजह से कॉलोनियों में आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ गई है। इस पर ध्यान देने की ज़रूरत यह है कि जो नसबंदी के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं उसको सही तरीके से किया जाए। साथ ही जो आवारा कुत्ते हैं जिनको कॉलोनियों से, शहर से लेकर के बाहर जंगल में छोड़ा जाता है, उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि इनकी संख्या को कम किया जा सके और ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। जी बिल्कुल, प्रशासन द्वारा कई कदम तो उठाए गए, लेकिन उसके बावजूद भी जमीनी स्तर पर
सफल होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए वीरेंद्र। चलिए एक बार फिर से आपको ये सीसीटीवी दिखा देते हैं, जहां पर आप देखेंगे बच्चा किस तरह से अपनी जान बचाता हुआ नजर आया। हालांकि गनीमत रही कि ड्राइवर उस वक्त पास में ही मौजूद था जिसने बच्चे की जान बचा ली, लेकिन कुछ देर और हो जाती तो ये कुत्ते बच्चे को काट भी सकते थे। बिलासपुर में कुत्तों का आतंक सीसीटीवी में आप देख सकते हैं, स्कूल से लौट रहे बच्चे पर किस तरह से 3 कुत्ते हमला कर देते हैं। देखिए किस तरह से पीछे पड़ते हुए कुत्ते नजर आ रहे हैं।